दरभंगा एयरपोर्ट पर पहली बार रात में फ्लाइट लैंडिंग हुआ। आपको बताते चले कि दिल्ली से जो फ्लाइट का टाइम था वो 3 घंटे लेट हो गया। उसके बाद भी जो है सो यात्रियों को यह शंका थी कि कहीं हमें पटना में न उतार दे, लेकिन स्पाइसजेट विमान ने रात्रि में भी दरभंगा में लैंड किया, जो काफ़ी खुशी की बात है। आपको बताते चले कि जब से इसका शुभारंभ हुआ उसके बाद यह पहली बार है कि दरभंगा में रात में यहां लैंडिंग हुआ है और सुरक्षित यात्री उतरकर अपने अपने घर की ओर चले गए। आपको बताते चले कि जिस प्रकार से यह लैंडिंग हुआ है यात्रियों में काफ़ी खुशी देखा गया। कई यात्रियों से बात किया तो उन्होंने अपनी खुशी जिस प्रकार से जाहिर की, उससे यही लगता है कि इन लोगों का कहना था कि अगर इस प्रकार से दरभंगा में और सुविधा मिलता रहा तो यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को और फायदा होगा। कई यात्रियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया क्या दी, सुनिए उन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मतलब 2-3 घंटे का डिले था उस फ्लाइट में, काफ़ी हंगामा हुआ। फिर उसको उन्होंने जो है ना 4:30 बजे वहाँ से फ्लाइट को जो है टेक ऑफ किया है। लोगों का ये रीज़न था कि दरभंगा में जो है लाइटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके कारण आप जो बता रहे हैं दरभंगा फ्लाइट जो है ना वो लैंड नहीं करवाएंगे, आप ऐसा डाइवर्ट करके कहीं पटना नहीं चला जाए, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। लेकिन उन्होंने एश्योर किया स्पाइसजेट वाले ने कि हम जो है ना आपको दरभंगा में लैंड कराएंगे। बाय द वे लैंडिंग तो सेफ हुआ, लेकिन लैंडिंग में जो है ना प्रॉब्लम है, मतलब बहुत जर्क मारता है और पैसेंजर को प्रॉब्लम होती है उसमें। और लाइटिंग का तो मतलब जो पहले मुझे लगता है 1-2 साल से चल रहा है वो बहुत ही अर्जेंट है, क्योंकि रात में बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो आते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को सुविधा। आज पहली बार दरभंगा एयरपोर्ट पे आपको फ्लाइट लैंड की है रात के अंधेरे में, कितना सुखद है और किस क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा है। अगर मान लो अगर स्पाइसजेट वाले कोई भी जो फ्लाइट जो है ना, जो भी फ्लाइट की जो कंपनीज है, जो भी एयरलाइंस वाले अगर रात को लैंड कर दिए दरभंगा में, सेफुली लैंड किया उन्होंने, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ऐसा नहीं था, तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, होपफुली कि वो करेंगे इसमें और इम्प्रूवमेंट। और ये बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए और जो बाहर से आते हैं स्पेशली उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि रात में जो है ना फ्लाइट लैंड हो, नहीं तो 5 बजे के बाद फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं। 4:30 बजे की टाइमिंग बताई गई, ये अच्छी खबर है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये मतलब हमें पता चलेगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माधव है। माधव जी, बड़ा अचीवमेंट है सभी दरभंगा वासियों के लिए कि हम लोग नाइट में भी अब लैंड करेंगे यहाँ पे और आए जाएंगे और जो सुविधा होगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम तो बधाई देते हैं जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है और जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको पूरा श्रेय जाता है और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी की बात है। आज पहली बार उतरी है और ये पहला फ्लाइट था जो रात के अंदर उतरा है। एयरफोर्स ने अपनी तरफ से इसकी तैयारियाँ की थी, एयरफोर्स ने अपनी तरफ से तैयारी करके इसको रात के अंधेरे में उतारा है, तो इसको आप बने और ये पहली बार और ये कोई शेड्यूल नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए था, तो आप क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? लो लैंडिंग सिस्टम जल्दी से लग जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम कहना चाहेंगे कि जैसे ही फ्लाइट जो 3 घंटा लेट हुई और फिर भी मैनेजमेंट ने उसको मतलब अगर रात में भी उतारा है, तो जब ये रात में यहाँ पर लैंडिंग हो सकती है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रात में भी हम लोग लैंड कर सकें, कुछ फ्लाइट बढ़ा के या जो भी उसका शेड्यूल है उसको करके, तो बहुत अच्छा रहेगा और सुविधा रहेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से आने में कोई परेशानी नहीं, लैंडिंग में ये डर लग रहा था कि अंधेरा है, इसकी लाइट बहुत दूर तक नहीं जा रही है, थोड़ा सा मतलब परेशानी ऐसे ही, लेकिन कोई खुशी थी, अच्छा लगा। परेशानी में भी खुशी। क्या नाम हुआ? हमें वहाँ पता चला था कि 4:30 बजे के बाद यहाँ लैंडिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी फ्लाइट जो है वो आई यहाँ पे, हमें सही टाइम पे पहुँचा दिया। मतलब डिले तो था ही फ्लाइट, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए बस। क्या लगा था रात में उतर पाएंगे? आपके अंदर पहली बार फ्लाइट उतरी है। हाँ। और लाइटिंग सिस्टम नहीं। हाँ। फिर भी
जिस तरह से यहाँ पर लैंड किया, किस तरह का अनुभव आपको हुआ? अनुभव अच्छा रहा, लेकिन और इम्प्रूवमेंट अगर हो तो बेटर है। आप जिस तरह से स्पाइस ने उतारा है, हाँ, अच्छा था, इम्प्रूवमेंट जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। तो ये दरभंगा शहर के लिए कितनी अच्छी बात है, अगर लाइटिंग होगी तो और ज़्यादा मतलब सही रहेगा पैसेंजर्स के लिए भी और फ्लाइट की सेफ्टी के लिए भी। आज उतरी है तो कैसा अनुभव हुआ? हाँ, अच्छा रहा मेरे लिए तो, सही रहा। पहले ये था कि फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती थी पटना, हाँ, क्या लगा था आप लोगों का? लाइटिंग की वजह से डाइवर्ट हो जाती थी। क्या लगा था, अनुभव क्या हुआ था आप लोगों को? बात तो यही चल रहा था कि पटना मतलब पटना में लैंडिंग होगी, लेकिन फिर भी फ्लाइट जो है वो दरभंगा पे हमें पहुँचाया है अपने टाइम पर, तो ठीक ही है। क्या नाम हुआ? गायत्री।